अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या बात है मिश्रा जी, फिर से हमारे खिलाफ एक नई चाल। मिश्रा जी एक बात बताइए, आप शुरू से इतने होशियार थे या इस रंजू ने आपको इतना होशियार बना दिया? ललिता जी, जालसाजी तो हम आपसे सीख नहीं पाए, लेकिन हर बार होशियार रहना ये हमने आपसे सीखा है, क्योंकि आज आपने तो पूरी तैयारी कर ली थी हमें जेल भेजने की। और रंजू से तो हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन वो सब आप समझ नहीं पाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, वैसे तो हमने रंजू के कहने पर हमने मन बना लिया था कि हम ललिता को वापस घर में लेंगे, लेकिन अब इस घर में इनके लिए कोई जगह नहीं। और हाँ, कानून का कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए और आप सबको गुमराह करने के जुर्म में इनकी गिरफ्तारी तो बनती है। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, माफ कर दीजिए ने, और इससे पहले कि ये हम पर कोई नया इल्जाम लगाए, ले जाइए ने यहां से। मिश्रा जी, हम सब कुछ तो दांव पे लगा चुके हैं आपको पाने की जिद में। अब आपको पाने के लिए अगर आपसे लड़ना है तो ये भी हमें मंजूर है। और एक बात याद रखिए, ये घर ललिता निवास था और फिर से ललिता निवास ही होगा, एट एनी कॉस्ट। चलिए इंस्पेक्टर साहब जी, आइए। मिश्रा जी ने जो कुछ भी किया है ना, उस रंजू के कहने पर किया है, लेकिन रंजू को अब अपने किए का नतीजा भुगतना होगा। अब तक हम सिर्फ खेल खेल रहे थे, दुश्मनी तो अब शुरू हुई है। हेलो, हाँ रोशनी बोलो। तुम्हें याद है ना हमने क्या कहा था? किसी भी कीमत पर शालू की जिंदगी बर्बाद होनी चाहिए, बस बस वही होने जा रहा है। शालू विशेष पांडे मिश्रा मेरे कब्जे में। क्या? तुम्हारे कब्जे में? मतलब आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए था ना, तो मैंने बस उस जल्दी को बहुत जल्दी में कन्वर्ट कर दी। रोशनी एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे खेल के चक्कर में हमारा खेल मत बिगाड़ देना,
आपका खेल तो कब का बिगड़ चुका है ललिता जी। क्या? लेकिन मैं अपना खेल नहीं बिगड़ने दूंगी। बहुत जल्दी आपको आपके गुड्डू जी का कॉल आएगा, इंतजार कीजिए। और हाँ, मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था ना, वो मैं हर हाल में पूरा करूंगी। रोशनी दत्ता की जान जा सकती है लेकिन जुबान कभी नहीं जाएगी। बदतमीज लड़की। पापा गो, लाली जितना सोचा था रोशनी तो उससे दो कदम आगे निकली, सीधा शालू का कितना। हाँ माँ, लड़की है तो तेज, लेकिन ये सब कुछ करने के पीछे उसका क्या मकसद है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। पर इतना पता है कि जो भी करेगी धमाका करेगी, और इस धमाके की आग में हमें अपनी रोटियां सेक ली। जितना हम समझ पा रहे हैं, रोशनी के इस धमाके में रंजू और उसकी बेटियों की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए खाक हो जाने वाली। रानी, हमारे परिवार की रक्षा करना, ये औरत अब भी पता नहीं कौन सा नया खेल खेलने की सोच रही है। इस औरत की बुद्धि खोलना और हम सबको भी सद्बुद्धि दीजिएगा, ताकि हम इस मुसीबत से छुटकारा पा सके। सब लोग माता रानी को प्रणाम करो। अम्मा जी, आज जो कुछ भी उसके बाद एक बात तो साफ है, इस लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है। ललिता जी ने जिद पकड़ ली है, और ये रोज रोज का झगड़ा लड़ाई, इसका कोई तो अंत होना चाहिए ना। हाँ, अंत तो होना चाहिए, पर क्या करें। अम्मा जी, हमें लगता है हमें एक बार उनसे बात करनी चाहिए, आराम से उन्हें हम प्यार से समझाएंगे, हो सकता है वो हमारी बात मान जाए। रंजू, तुम्हें क्या लगता है ललिता शांति से तुम्हारी बात सुनेगी? लेकिन मिश्रा जी, हमें कोशिश तो फिर भी करनी ही पड़ेगी ना, और हर मसले का हल बातचीत से, प्यार से, समझ से निकाला जा सकता है। हो सकता है माता रानी की कृपा से वो भी हमारी बात समझ जाए। होंगे ना सब लोग, और बुरा भी लग रहा होगा अपनी लाडली को ऐसे देखकर। कहां तो जीत का जश्न मनाया जा रहा था, और कहां एक पल में जिंदगी बदल गई, है ना। क्या कर सकते, यही होता है जिंदगी और कहानी में, यही फर्क होता है। कहानी के एंड में सब कुछ अच्छा होता है, और जिंदगी की कहानी में आते रहते। रंजू मिश्रा और उसकी बेटियों से कोई खुश नहीं, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। अब इस बात की सजा तो तुम लोगों को मिलनी चाहिए। आज इस घर में तुम सब का हिसाब होगा।
देखो रोशनी, हम समझते कि तुम अभी गुस्से में हो। इस तरह से गुस्से में तुम्हें कहाँ चाहिए बताओ, हम तुम्हें देंगे, तुम बताओ तुम कहाँ चाहिए। हाँ स्वीट, तुम जानना चाहती हो ना मुझे क्या चाहिए। मेरी डिमांड ना बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी। मुझे तुम्हारी बर्बादी चाहिए और तुम्हारी इस बेटी की बर्बादी, समझी। एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।